हाँ, इस समय हम गवर्नमेंट कॉलेज में, जैसा कि मैंने पहले बताया था, जहाँ पर वन डे सिंपोजियम चल रहा है आईटी बिजनेस एंड मैन्युफैक्चरिंग इनोवेशन के ऊपर, कि हमारे जो हिंदुस्तान के उद्योग हैं या हमारे पंजाब के या लुधियाना के उद्योग हैं, जो बिजनेस है कैसे चल रहा है या कैसे मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, उसके ऊपर वन डे का सिंपोजियम है और इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं जो इस कॉलेज से पढ़कर जो हमारे स्टूडेंट गए थे और आज उद्योगपति हैं, वो अपना अपना जो कि एक्सपीरियंस बता रहे हैं कि हमारा क्या एक्सपीरियंस है, और आज के वो उद्योगपति हैं लुधियाना शहर के। और हमने देखा कि बच्चे भी बैठे हैं, बीबीए क्लास के, बीसीए क्लास के, एमएससी के, बीकॉम के, एमकॉम के, वो बड़े ध्यान से सुन रहे हैं। उनको रिटेन करने के लिए, उनको रोकने के लिए टीचर भी घूम रहे हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि जब बाहर चले जाएँ तो हमारी यहाँ से भीड़ ख़त्म हो जाए। उसके बाद फिर हमने देखा कि कुछ बच्चे जो कि मोबाइल पर भी अपना लगे हुए उंगलियाँ चला रहे हैं, और हम कुछ बच्चे जो बाहर आएंगे उनसे पूछते हैं कि ये सब क्या अंदर चल रहे हैं। बिजनेस एंड मैन्युफैक्चरिंग इनोवेशन आईटी के ऊपर जहाँ चल रहा है, जो लेक्चर चल रहे हैं अंदर, सिंपोजियम चल रहे हैं, और जो आप देख रहे हैं कि जो स्टूडेंट जो बाहर घूम रहे हैं, जो राउंड यहाँ के ग्राउंड के आसपास जो इधर घूम रहे हैं, दूर तक देख रहे हैं हम, ये सब स्टूडेंट जो है ना आर्ट के हैं, एमए के, पॉलिटिकल साइंस के, पंजाबी के, क्योंकि इनको बिजनेस से कुछ लेना देना नहीं है, ये तो सिर्फ अपना पढ़ने के बाद IAS या एडवोकेट्स ऐसे कोर्स करेंगे। लेकिन जो अंदर बैठे हैं वो सभी लोग जो स्टूडेंट सिंपोजियम में जो लेक्चर चल रहे हैं उनको सुन रहे हैं, वो सब आईटी के, मैनेजमेंट के, बिजनेस के रिलेटेड जो कोर्स हैं उनको कर रहे हैं। अभी कोई बच्चा बाहर आएगा उससे पूछते हैं कि यहाँ पर सब क्या चल रहा है, तुम कैसी क्लास दे स्टूडेंट हो? एम ए पंजाबी। अंदर की चल रहा है तुम्हें पता? अंदर फंक्शन चल रहा है। अच्छा, अंदर फंक्शन चल रहा है, लेकिन फंक्शन नहीं चल रहा है उधर, मारो जरा आईटी बिजनेस एंड मैन्युफैक्चरिंग इनोवेशन के ऊपर अंदर सिंपोजियम चल रहा है। आप भी पंजाबी के स्टूडेंट हैं? फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर? फर्स्ट ईयर। तो ये अंदर थोड़ी जो कि चल रहा है उन थोड़े बारे पता बारे कुछ नहीं? इनको कुछ मतलब नहीं है इसके अंदर, जो बिजनेस वाले हैं वही बैठे हैं स्टूडेंट, बीकॉम वाले, बीबीए वाले, एमबीए वाले, तो ये कहते हैं हमको पता नहीं अंदर कोई प्रोग्राम चल रहा है, इनको जो प्रोग्राम के बारे में नहीं पता है, तो कोई जो आर है दे आर नॉट इंटरेस्टेड। क्या नाम है? मेरा नाम हेमंत। हेमंत, अंदर क्या चल रहा है? अंदर सेमिनार चल रहा है। कौन से सब्जेक्ट के ऊपर? कॉमर्स के ऊपर चल रहा है, मैनेजमेंट के ऊपर। अच्छा, आप कौन से किसके स्टूडेंट हैं? मैं बैचलर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। आप बिजनेस के हैं, तो आप तो भैया हमको थोड़ा सा बताओगे इसके बारे में, जो कुछ सुन के आए हो आप इसके अंदर जाके जो सम्मोजियम चल रहा है? ये बता रहे मतलब कि अगर स्टार्टअप कोई है, जैसे किसी बच्चे ने स्टार्टअप करना है, कोई बिजनेस ओपन न्यू स्टार्ट करना है तो कैसे करे, उसके टिप्स बताए हैं, क्या बेनिफिट्स हैं और क्या कॉन्सिक्वेंसेस हैं। तो आप बिजनेसमैन बनना चाहते हैं बड़े होके? हाँ जी, बनना चाहते, पहले जॉब करके थोड़ा सा एक्सपीरियंस लेंगे कैसे करते हैं बिजनेस, फिर आगे एंटरप्रेन्योर बनेंगे। लेकिन यहाँ पर जो पहले एंटरप्रेन्योर हैं, जो बिजनेसमैन हैं, बहुत ऐसा बढ़िया लोग हैं, अग्रवाल लोग हैं, बहुत बड़े बड़े हैं पहले ही हैं, तो फिर आप तो अभी नहीं? कोई बात नहीं, वो तो स्टार्टअप है ना आपके जैसे, अगर अच्छा स्टार्टअप है तो आगे आपकी सक्सेस अच्छी हो सकती है। चलो ठीक है, जो स्टार्टअप के बारे हेमंत जी बोल रहे हैं कि स्टार्टअप अच्छा होगा तो हम भी आगे बिजनेसमैन बन सकते हैं। एमएससी केमिस्ट्री जो अंदर जो चल रहा है सिंपोजियम, उसके बारे कुछ पता है आपको? हाँ जी, आईटी सेक्टर के रिलेटेड ये लोग हमें बता रहे हैं कि जो यूथ है उनको बिजनेस के रिलेटेड आगे कैसे जाना चाहिए और बिजनेस अपना सेटअप करना चाहिए, यानी कि एंटरप्रेन्योर बनना चाहिए, ना कि कहीं पे सर्विस करनी चाहिए। उसके लिए कुछ बहुत फेमस पर्सनालिटीज जैसे मिस्टर बिंद्रा, यूथ आइकॉन, ही इज़ देयर। एंड उसके अलावा एक IAS ऑफिसर आए हैं, और हाँ, एक ईस्टमैन कंपनी के ओनर, वो भी अंदर प्रेजेंट है। तो ये इसी कॉलेज के स्टूडेंट थे जो आए हुए हैं? हाँ जी, ये तीनों यहीं से पढ़ के गए हुए हैं। थैंक यू। तो क्या चल रहा है अंदर? इसमें IIT के बारे में बता रहे हैं, मतलब जो यहाँ पे आए हुए हैं वो सारे कुछ बता रहे हैं कि हाँ कैसे आगे बिजनेस ग्रो अप करना है, कैसे इंडिया में चल रहा है सारे चीज़ें, कि मतलब कैसे वो डाउन चल रहा है और बाकी कंट्रीज कैसे ग्रो कर रही हैं, डीमोटिलाइजेशन यहाँ पे बहुत ज़्यादा है जो नहीं होना चाहिए। नहीं, अभी तो चल रहे हैं, तो आप बाहर आगे क्या बात है, जाना कहीं इमरजेंसी है हमें? MBA अंदर की चल रहा है, अंदर सेमिनार लगा हुआ है तो काफ़ी वधिया अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे साढ़े ना। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅੰਦਰ ਕੀ ਸੁਣ ਕੇ ਆਏ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਗਰੋਥ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਜਿਵੇਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੀ ਡਾਊਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਕਾਫੀ, ਤੇ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਅਰਾਊਂਡ 1 ਈਅਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਤਾਇਆ ਕਿ 1 ਸਾਲ ਮੇ ਸਭ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਕੇ ਬਾਰੇ ਬਤਾ ਰਹੇ ਹੈਂ। ਛੋਟੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਅੰਦਰੋਂ ਆਏ ਹੋ ਹੈ ਨਾ? ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੋ? ਮੈਂ BA ਦਾ ਜੀ। ਨਹੀਂ, ਆਰਟ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਹੜੀ? ਆਰਟ ਜੀ, ਆਰਟ BA। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਰਟ ਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ BCOM ਸਰ।
ਬੀਕੌਮ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਆਏ ਹੋ ਗਏ ਆਏ ਹੋ? ਨਹੀਂ ਸਰ, ਹਾਲੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਲੱਗੇ ਹੋਏ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ। ਤੇ ਟੀਚਰ ਵੀ ਖੜੇ ਨੇ, ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ? ਹਾਂਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਹੋ? ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਸੀ ਨਾ ਸਰ ਪਹਿਲਾਂ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ BA ਆਰਟ? ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਰਟ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਈ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ? ਇਸ ਸਮੇਂ ਹਮਾਰੇ ਕਾਲਜ ਜਹਾਂ ਪਰ ਡੇਅਰ ਟੂ ਬੀ ਟਰੂ ਲਿਖਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਇਨਕਾ ਸਲੋਗਨ ਹੈ, ਜੋ ਮਾਟੋ ਹੈ ਇਨਕਾ ਕਾਲਜ ਕਾ। ਅਭੀ ਹਮਨੇ ਦੇਖੇ ਕਿ ਅੰਦਰ ਸਿੰਪੋਜ਼ੀਅਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ IT ਬਿਜ਼ਨਸ ਐਂਡ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਕੇ ਉੱਪਰ, ਔਰ ਸ਼ਹਿਰ ਕੇ ਕੁਛ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਜਹਾਂ ਪਰ ਆਪਣਾ ਅੱਗੇ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਬੈਠੇ ਹੈ BCOM ਕੇ, MSc ਕੇ, BBA ਕੇ, MBA ਕੇ ਜੋ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਸਭ ਲੈਕਚਰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਕੈਸੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕੋ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਕਿਆ ਕਹਾ ਹੈ, ਯੇ ਹਮਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਕੈਸੇ ਤਰੱਕੀ ਕਰੇਗਾ। ਤੋ ਇਸੀ ਕੇ ਉੱਪਰ ਜੋ ਆਰਟ ਕੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੈ, ਜੋ ਹਮਾਰੇ ਦੂਸਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜੋ ਬਾਹਰ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਹੈ, ਉਨਕੋ ਇਸੇ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਜੋ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੈ ਵੋ IT ਕੇ ਰਿਲੇਟਡ ਜਾਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕੇ ਰਿਲੇਟਡ ਹੀ ਅੰਦਰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੈ। ਤੋ ਜੇ ਤਾਂ ਹਮਾਰਾ ਐਸ ਜੋ ਕਿ ਸਤੀਸ਼ ਚੰਦਰ ਧਵਨ ਕਾਲਜ, ਜਿਸਕੋ SCD ਸਕੂਲ ਕਾਲਜ ਬੋਲਤੇ ਹੈ, ਇਸਕੋ ਆਏ 100 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਬਣੇ ਹੋਏ ਕੋ, ਔਰ ਉਸੀ ਸੰਦਰਭ ਮੇਂ ਉਸੀ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਜੇ ਜੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਇਸ ਕਾਲਜ ਮੇਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੈ। ਤੋ ਆਜ ਹਮਨੇ ਦੇਖਾ ਕਿ ਸਿੰਪੋਜ਼ੀਅਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਔਰ 100 ਸਾਲ ਕੇ ਜੋ ਇਸ ਕਾਲਜ ਕੋ ਬਣੇ ਹੋਗੇ, 1920 ਮੇਂ ਬਣਾ ਥਾ, ਔਰ 2020 ਆਨੇ ਜਾ ਰਹਾ ਹੈ। ਤੋ ਉਸੀ ਕੇ ਸੰਦਰਭ ਮੇਂ ਜੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੈ, ਔਰ ਜੇ ਜੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 100 ਸਾਲ ਕੇ ਉਪਲਕਸ਼ ਮੇਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਔਰ ਇਸੀ ਕੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਇੱਕ ਸਿੰਪੋਜ਼ੀਅਮ ਜੋ ਸਕੂਲ ਕੇ ਜੋ ਕਾਲਜ ਕੇ ਜੋ ਸਟੂਡੈਂਟ ਥੇ ਇਸਕੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈ। ਤੋ ਸ਼੍ਰੀਪਾਲ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਜਸਵਿੰਦਰ ਕੇ ਸਾਥ, CTOM ਨਿਊਜ਼।